और बात करेंगे खबरों में छत्तीसगढ़ की, जहां के दुर्ग में बच्चा चोरी की अफवाह में साधुओं की पिटाई के बाद अब बच्चा चोरी की अफवाह क्षेत्र में तेजी से फैल चुकी है। ऐसी अफवाहों को लेकर पंपलेट्स व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसके चलते बच्चा चोर समझकर मारपीट की घटनाएं भी अब आम हो चुकी है। पुलिस ने इस तरह की अफवाहों से बचने की नागरिकों से अपील की है। किसी नागरिक पर अगर संदेह है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें और पुलिस इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। एएसपी प्रशांत अग्रवाल ने अब कहा है कि अगर अफवाह फैल रही है तो छत्तीसगढ़ में पुलिस को इस बात की सूचना दें, जिसको लेकर पंपलेट व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पुलिस ने जारी किया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये पंपलेट्स पुलिस ने बिल्कुल भी जारी नहीं किए हैं और आप भी ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई भी अगर पंपलेट पुलिस ने जारी किया है तो इसकी बात भी और इसकी सूचना भी आप पुलिस को दे सकते हैं और पुलिस से मदद मांग सकते हैं। बच्चा चोरी वाला गिरोह अभी यहाँ पे सक्रिय, ऐसी बात नहीं है। बच्चा चोरी वाला कोई गिरोह नहीं है। कभी कभी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, उसके चक्कर में कोई भी जो संदिग्ध दिखता है उसको लोग बच्चा चोर मानने लग जाते हैं, तो बच्चा चोर वाली बातें नहीं है। अलग अलग जगहों पे कहीं पे कुछ भिखारी हैं जो कुछ काम करने आए हैं, कुछ और संदिग्ध लोग हैं जो कुछ और चोरी करने आए हैं, बट उसको भी लोग बच्चा चोर बोल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और ऐसा कहीं पे भी लगता है तो मीडिया के माध्यम से मेरी अपील है, वो तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस उसकी तस्दीक करेगी।